अस्सलाम वालेकुम। सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। सरगोधा यूनिवर्सिटी की प्राइवेट रेगुलर तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके आल पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि सरगोधा यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट की इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को यहीं से मिलती रहें। तो एक सवाल है कि MA MSc पार्ट वन पार्ट टू या फिर कंपोजिट सरगोधा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम कितने पेपर छोड़ सकते हैं। ये अभी पेपर्स भी हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने पेपर छोड़े भी होंगे, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छे से इस वीडियो को समझ लीजिएगा कि हम कितने पेपर स्किप कर सकते हैं कि हम सप्लीम के अंदर अपीयर हो जाए। तो अगर हम बात करें ना पार्ट वन की अगर बात करें तो आप दो पेपर्स स्किप कर सकते हो, यानी कि दो पेपर आप छोड़ सकते हो। तीन पेपर में आपका जो बाकी तीन पेपर रह जाते हैं वो आपके पास होने चाहिए, यानी कि पांच पेपर होते हैं ना, तो पांच पेपर में आप अगर दो छोड़ देते हो ना, अगर आप तीन पेपर देते हो और अगर आप उन तीन में से एक में भी फेल हो गए ना, तो आपने फिर पूरे पाँच पेपर का अगेन पेपर देना होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपको बता दूं, पांच पेपर्स होते हैं, तीन पेपर आप देते हो, दो पेपर फर्ज की आप छोड़ देते हो, तो आपने जो बाकी तीन पेपर्स दिए हुए हैं अगर उनमें से अगर आपका एक भी पेपर रह गया तो आपका पूरा पार्ट का रिजल्ट कैंसिल, आपको अगेन सारी पांचों बुक्स का देना होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप चार पेपर अटैम्प्ट करें ताकि एक में अल्लाह ना करे कि फेल भी हो सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी इशू बन सकता है, तो फिर आप जो बाकी तीन हैं वो एटलीस्ट पास हो जाएं। तो तीन में पास होना आपका लाजमी है। अपीयर आप चाहे तीन में हो जाओ, चार में हो जाओ, पांच, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दो पेपर आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो बाकी तीन पेपर्स दिए हैं शर्त ये है कि वो तीनों पास होने लाजमी है। उनमें से एक में भी सप्ली आ गई तो फिर आप लोगों का जो है ना वो दोबारा पूरे पार्ट वन का पेपर देना होगा। अब बात करते हैं MA MSc पार्ट टू की। तो पार्ट टू की भी अगर बात करें तो दो पेपर ही आप स्किप कर सकते हो और जो लेफ्ट बाकी जो तीन पेपर्स हैं वो आपने हर सूरत पास करने हैं, ठीक है। ये पहले पार्ट वन वाली ही सारी कंडीशन इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। ये बात हो गई वो स्टूडेंट के लिए जो पार्ट वाइज पेपर्स देती है। अब उन स्टूडेंट की बात करते हैं MA MSc कंपोजिट स्टूडेंट्स की, कि कंपोजिट स्टूडेंट्स की क्या रूल्स हैं, क्या सरगोधा यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं, ठीक है, कि कितने पेपर आप छोड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को पता है 10 पेपर होते हैं, तो इनमें आप पांच पेपर्स में आपने पांच पेपर आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो बाकी पांच पेपर्स हैं उसमें आपका पास होना लाजमी है। अगर आप पांच पेपर जो है ना वो स्किप करते हो, ठीक है, पांच पेपर स्किप, देन अदर पांच पेपर्स, अगर आप पांच पेपर जो है वो स्किप करते हो, पांच पेपर्स दे देते हो, पांच पेपर आप स्किप कर देते हो, तो अब जो पांच पेपर आपने दिए हुए हैं अगर तो आप वो पांचों पेपर में ही पास हो गए तो फिर तो ठीक है, जो बाकी पांच है वो आप सप्ली में दे लीजिएगा, लेकिन अगर जो आपने पांच दिए हैं उसमें से एक भी सप्ली आ गई तो आपको पूरे पेपर दोबारा देने होंगे, आपका पूरा रिजल्ट ही खत्म कर दिया जाएगा, आपको अगेन कंपोजिट के 10 के 10 पेपर्स देने होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप पांच पेपर स्किप करने की बजाय आप एक दो या तीन पेपर स्किप करो, कि ताकि आप 7 पेपर 2 या 8 पेपर भी दो तो एटलीस्ट आप पांच पेपर पास कर जाओ, बाकी पांच आप सप्ली के साथ क्लियर कर सकते हो। ये बात आप याद रखिएगा, ये रूल है कि आप लोग पेपर्स कितने छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है कि हम कितने पेपर छोड़ सकते हैं तो हम सप्ली में अपीयर हो जाएं, ये है वो है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है ना वो आप लोगों के लिए था। अगर आप कंपोजिट के देते हो तो अगर आप पांच दे देते हो, पांच स्किप कर देते हो, तो अगर उन पांच में से एक में भी आपकी सप्ली आ गई तो आप फेल एज अ होल हो जाती हो। अगर पार्ट वाइज बात करें तो आप दो पेपर दे सकते हो, दो पेपर आप स्किप कर सकते हो, तीन पेपर्स आपके देने लाजमी है, लेकिन अगर वो तीन आपने जो दिए हैं उसमें भी आपकी एक की सप्ली आ गई तो आपने पूरा पार्ट के दोबारा, यानी कि फेल एज अ होल हो जाओगे।
ये बात आप याद रखिएगा, ये रूल है यूनिवर्सिटी का कि आप लोग पेपर्स कितने छोड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को, कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू अपडेट आप लोगों को मिली हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो काइंडली कॉमेंट सेक्शन में सवाल कर किया करें, इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।